हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की मिठाई है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही रसीली, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी। बाज़ार जैसी महंगी मिठाई आज हम घर में बनाएंगे दोस्तों, लेकिन बिल्कुल बजट में। इसे खा के और देख के भी कोई नहीं बता पाएगा कि इसको आपने घर में बनाई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ पे 2 क्वार्टर ब्रेड ली है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, स्लाइस ब्रेड भी ले सकते हो या फिर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। और अब इसको हम काट लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा हम सबसे पहले काट के फेंक देंगे और उसके बाद इसको हम चौकोना काट लेंगे लंबा लंबा। तो ब्रेड मैंने काट ली है दोस्तों सारे के सारे। और ये जो पिछला वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है, मुझे बड़ा पसंद है। तो अभी इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और उसके बाद सीधा चलेंगे हम गैस की तरफ। गैस पे ना आपको एक छोटा सा पैन लेना है, लेकिन चौड़ा वाला, और उसमें लेना 1 कप जितना चीनी और 1/2 कप जितना पानी। 1 कटोरी चीनी लेना, 1/2 कटोरी पानी लेना, बस क्वांटिटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और उसके बाद गैस को ऑन करके हम चीनी को बस पिघला लेंगे। इसमें हमें कोई भी तार वार नहीं लानी है, कोई चाशनी जैसा गाढ़ा नहीं चाहिए, बस इसको हमें पिघलानी है। ये जब पिघल जाएगी तब वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो अभी हम फ्लेम को लो पे करके इसमें डाल देंगे कूटी हुई इलायची का पाउडर। मैंने इसको घर में कूट लिया है, आप मार्केट से खरीद के भी डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच जितना डाल देना, अच्छे से मिला लेना। इसको साइड में रख देना, लेकिन इसको ठंडा नहीं होने देना है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट, एक कढ़ाई में हम लेंगे तेल। 1/2 इंच जितना तेल इसमें गर्म कर लेना। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, मीडियम फ्लेम पर हम एक एक करके ये ब्रेड के स्लाइसेस को सीधा डाल देंगे और बस मीडियम फ्लेम पर हम इसको पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके चारों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाती है। तो ये देखो दोस्तों, इसका कलर चेंज हो चुकी है। अभी हम एक एक निकालेंगे और सीधा डाल देंगे इस चाशनी में। चाशनी को ना ठंडा होने नहीं देना है दोस्तों। मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं साइड में ना इसको लो फ्लेम पे रखा है। चाशनी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ना चाशनी पी नहीं पाएगी। तो ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरीके से बस 2 सेकंड के लिए ऐसे पकड़ के रखेंगे डुबो के, और उसके बाद इसको हम पलटते हुए डुबाएंगे चाशनी में। तो थोड़ा सा चाशनी मैं ऊपर से भी इसमें डाल देती हूँ। धीरे धीरे आप देख रहा दोस्तों कि ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है ना, ये ना नरम हो जाएंगे, बहुत ही रसीले बन जाएंगे। चाशनी जो पी लेगी, ये देखो ये कितने नरम हो चुके हैं ना। पलटते हुए इसमें डुबोना ताकि इसके चारों तरफ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये सारा चाशनी पी ली है। थोड़ा सा जो बचा खुचा है ना, वो आप ऊपर से डाल देना। तो ऐसी स्वीट बाजार में अगर खरीदने जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा दाम आपसे ले लेगी। लेकिन आज तो मैंने इसे आपको घर में बनाना दिखा दिया है ना, बिल्कुल बजट में। ऊपर से बस थोड़ा सा इस तरीके से सिल्वर का वर्थ हम रख देंगे और थोड़ा सा चेरी काट के डाल देंगे, तो लगेगी भी बिल्कुल दिखने में बाजार जैसी। तो इसको ना एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले ब्रेड के मिठाई कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।